वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस, या मैं ये बोलने वाली हूँ कि 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो मेरे पास हैं एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट, दे आर वर्थ बाइंग। इन पे इन्वेस्ट करना इज नॉट एट ऑल, यू नो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैंने ये पैसे खर्च क्यों कर दिया। दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर वर्थ बाइंग और इनको मैं मोर देन 1 ईयर से यूज कर रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 4-5 महीने से मैंने यूज करा है, बट मोस्टली सिर्फ 1 ईयर से मैं यूज कर रही हूँ। सो आई हैव अ वेरी सेंसिटिव एंड यू नो एक्ने प्रोन स्किन। मैं कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई करती हूँ तो मेरे को बहुत जल्दी रिएक्ट करता है मेरी स्किन पे। सो यू नो, तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये सेंसिटिव स्किन को सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन है। सो येस, विदाउट फर्दर डू, लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद द video। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेकअप करते हैं या आप मेकअप नहीं करते हैं या आप मिनिमल मेकअप करते हैं, आई थिंक ये सबको पता होगा बिकॉज सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स, सारे जो भी मेकअप करने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, एवरीवन लाइक सब इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज़ मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्सिंग स्प्रे एंड मैंने ये परचेस किया था 2018 में। हाँ यस, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाकर के इसको परचेस किया था एंड शी यू नो लिटरली फोर्स मी कि यू हैव टू बाय दिस, ये बहुत अमेजिंग है और ये है फलाना एंड ढिमकाना है। सो तब का मैंने परचेस किया हुआ है एंड आप देख सकते हो कि अभी तक सिर्फ ये इतना ही खत्म हुआ है। इसका मेरे पास एक छोटा बॉटल, मुझे मिनिएचर वर्जन फ्री आया था, मैंने कुछ परचेस किया था जब ये स्टूडियो फिक्स परचेस किया था लास्ट ईयर वैलेंटाइंस पे, खुद के लिए खुद को दिया था, तब ये उसमें फ्री आया था। तो मैं अब क्या करती हूँ, इस बॉटल में से इसमें निकालती हूँ एंड ये बहुत ईजिली मेरे बैग में आ जाता है, हर जगह आ जाता है, ट्रैवल फ्रेंडली सा होता है, तो मैं इससे ज़्यादा यूज़ करती हूँ एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसमें ऐसा बोला जाता है कि इसके अंदर मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं जो कि आपकी स्किन को यू नो नेचुरली ग्लोई एंड फ्रेशन अप बनाते हैं। तो अगर आप बहुत बेसिक सा भी मेकअप कर रहे हैं, मेकअप नहीं कर रहे हैं, तो आप स्किन पे भी, बेयर स्किन पे भी इसको लगा सकते हैं, इट विल नॉट हार्म योर स्किन फॉर श्योर। ऐसा मैंने किया नहीं है बट ऐसा बोलते हैं बिकॉज ये इतना एक्सपेंसिव है, मैं इसको डेली डेली अपने स्किन पे नहीं लगा सकती बाबा। सो येस, दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। कमिंग टू द सेकेंड प्रोडक्ट, दिस इज अ स्किन केयर प्रोडक्ट। सो बेसिकली यू नो मैं अपने जो टोनर्स है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मेरे को कोई सा भी टोनर सूट नहीं होता है। मतलब इवन मुझे जो बॉडी शॉप का टी ट्री वाला टोनर है वो भी मेरी स्किन पे बहुत ऐसे इचिंग टाइप का इफेक्ट देता है, बर्निंग सेंसेशन देता है। बायोटिक का टोनर मुझे बर्निंग सेंसेशन देता है। फिर उसके बाद आई बॉट दिस डॉक्टर बेलमेर का टोनर लोशन टोनिक एंड ट्रस्ट मी, ये अब मैंने लास्ट ईयर के बर्थडे हॉल में शेयर किया था, ये मेरी सेकेंड बॉटल है और अब ये खत्म होने वाला है, तो मेरी थर्ड बॉटल भी मैंने परचेस कर ली है बिकॉज इसको मैं एक दिन भी बिना लगाए स्किप नहीं करती हूँ। ये आपकी स्किन के जो पोर्स हैं उनको क्लोज करता है ताकि एक्ने आपको और ज़्यादा नहीं आते हैं और टोनर्स में मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ एंड दिस इज़ माई यू नो बाई फार अब तक का बेस्ट टोनर है ये। डेफिनेटली ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, इसका प्राइस है 1600 रुपीज। इफ यू हैव अ सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टोनर देन दिस वुड बी अ ग्रेट परचेस फॉर यू। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रोडक्ट, दिस इज द बॉडी शॉप टी ट्री मैटिफाइंग लोशन। अब ये मैंने लास्ट ईयर समर्स में परचेस किया था एंड ये आता है 995 रुपीज़ का एंड समर्स में दिस इज एब्सोल्युटली यू नो मस्ट हैव। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपका टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, आप मॉइस्चराइजर लगाने के बाद इसको लगा लीजिए अपने स्किन पे, या आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, आपकी स्किन कोई ड्राई नहीं करता है। तो ये क्या करता है, आपके पूरे स्किन पे बहुत मैटिफाइंग इफेक्ट दे देता है और उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट लगा लीजिए तो आराम से 4-5 घंटे तक आपके टी जोन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता है। तो ये काफ़ी, अब हाँ अभी सन में आप जाओगे, बिल्कुल धूप में घूमोगे और ऐसा काम करोगे, थोड़ा डांस वांस करोगे तो डेफिनेटली स्वेटिंग होगी, बट ऐसे नॉर्मली इन जनरल जैसे मैं तो अगर बैठी भी हुई हूँ तो मेरा टी जोन ऑयली हो जाएगा, इतना ज़्यादा मेरे को ऑयली स्किन है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप कहीं जा रहे हो, नॉर्मल मॉल वगैरह में जा रहे हो, घूम फिर रहे हो, चिल मार रहे हो, कैन अप्लाई दिस। नाउ कमिंग टू द फोर्थ प्रोडक्ट, दिस इज़ एस्टे लॉडर डबल वेयर स्टेन प्लेस फाउंडेशन और इसके बारे में मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, इवन मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी डाल चुकी हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, बहुत ज़्यादा सुना था, बट मैं कन्फ्यूज़ थी कि मुझे मैक का फाउंडेशन लेना है या एस्टे लॉडर का लेना है या फिर हुडा ब्यूटी का लेना है, इन तीनों में मुझे कन्फ्यूजन था एंड फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस एस्टे लॉडर। एक तो ये छोटा वर्जन भी आता था तो मुझे लगा कि ज़्यादा ईजी होगा, 1800 रुपीज़ का ये आया था एंड बाकी जो फाउंडेशन थे वो उनका कोई छोटा वेरियंट नहीं आता, डायरेक्टली वो एक्सपेंसिव ही आ रहे थे। सो आई थॉट कि इसको
एक बार मैं ट्राई करती हूँ। और जब मैं नवंबर में अपने कजिन की शादी में गई थी, यू वोंट बिलीव, आप सोचोगे भी नहीं कि संगीत में मैंने कितना डांस किया था। आई थिंक 4 to 5 hours मैंने डांस किया होगा। एंड डांस करते टाइम मुझे स्वेटिंग तो हो रहा था, मेरा जो स्वेट है वो ऐसे टपक रहा था पानी की तरह। उस दिन आई रियलाइज कि वाह यार, मतलब ये बिल्कुल, मुझे पक्का लगा था कि मेरा पूरा मेकअप धुल चुका होगा। बट व्हेन आई टुक अ टिश्यू पेपर और मैंने उसको डैप किया, मेरा स्किन उतना ही फ्रेश लग रहा था जितना आप एकदम फ्रेशली मेकअप करते हो। तो दिस फाउंडेशन इज अमेजिंग, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, और अगर आपने इसको अच्छे से सेट कर लिया है तो बॉस ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से 12 to 13-14 hours तक। इसको बोलते हैं कि ये 24 घंटे ऐसा कि एज इट इज रहता है, बट 24 घंटे तो मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। बट येस, आई वुड हाईली रिकमेंड यू। अभी फाउंडेशन की बात करी है तो उसको ब्लेंड करने के लिए क्या आपको यूज करना चाहिए उसका मैं बताती हूँ। इफ यू आर अ मेकअप लवर और आप फाउंडेशन लगाते हो या आप कॉम्पैक्ट लगाते हो या आप कुछ भी लगाते हो, आई थिंक इतने सारे ब्रशेज मार्केट में अवेलेबल हैं कि हम बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि हमको कौन सा ब्रश लेना है, कौन सा ब्रश नहीं लेना है। बट इफ इट कम्स टू फाउंडेशन ब्रश की बात अगर मैं करूँ तो सो दिस इज द रियल टेक्निक फाउंडेशन ब्रश, एंड आई हैव सो मेनी फाउंडेशन ब्रशेज। मतलब मेरे पास अभी ब्रश कलेक्शन होगा आराम से 60 के ऊपर के टोटल मिला करके, इतने ब्रशेज हैं मेरे पास, जिसमें से 5 या 6 तो फाउंडेशन ब्रशेज हैं। मैक का है, इसका है और पैक का है, बट मैक का इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। बट आई हाईली रिकमेंड यू दिस रियल टेक्निक वाला बफिंग ब्रश, ये बफिंग ब्रश बोला जाता है इसको। मैं यही फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ लास्ट 2.5 years से, और दिस इज रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छी फिनिश देता है। मुझे वो ब्यूटी ब्लेंडर से टक 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 करते रहना, आधे घंटे तक ब्लेंड करते रहना में मुझे बहुत आलस आता है। सो आई वॉन्ट समथिंग यू नो, फटाफट फटाफट लगाया एंड देन रेडी। तो मुझे ब्रश वाली फिनिश ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट आते हैं अगेन एक और स्किन केयर प्रोडक्ट पे। सो दिस इज द बॉडी शॉप ड्रॉप्स ऑफ यूथ बाउंसी स्लीपिंग मास्क। इसको मुझे यूज करते हुए हो गया है ऑलमोस्ट 2 साल एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। मैं अपने नाइट रूटीन में कुछ भी चेंज कर लूँ बट इस प्रोडक्ट को मैं कभी चेंज नहीं करती हूँ। एंड जब से मैंने, आप मेरे पुराने वीडियोस जा करके देखो, और जब से मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट किया है अपने चेहरे पे, डेफिनेटली ये रिजल्ट बहुत लेट देता है, बहुत लेट, मतलब आपको 6-7 months के बाद फील होना, आपको फील नहीं होना स्टार्ट होगा एकदम से, सामने वाले को फील होना स्टार्ट होगा कि तेरी स्किन पहले से थोड़ी बेटर हो गई है, टेक्सचर वाइज इट बिकम्स बेटर। सामने वाला आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, आप क्योंकि अपने आपको डेली देखते हो आपको समझ में नहीं आता है कि स्किन कैसा हो गया, क्या हो गया है। इसने मेरे स्किन के टेक्सचर को काफ़ी बेटर किया है एंड आई जस्ट कांट लिव विदाउट दिस प्रोडक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज मैक का प्रेप एंड प्राइम नेचुरल बेस। तो यू नो, इसका मेरे पास एक छोटा वर्जन भी अवेलेबल है और बड़ा वर्जन भी अवेलेबल है इसका। सो यू नो, मैंने काफ़ी सारे प्राइमर्स ट्राई करे हैं, मेरे पास बेनिफिट के भी दोनों, पर्ल वाला एंड जो एक और मेन पोर फैशनल प्राइमर है वो भी अवेलेबल है। बट द प्रॉब्लम विद दैट प्राइमर इज, वो भी बहुत अच्छा है बट समटाइम्स इट हैपन्स कि जब भी मैं उसको लगाती हूँ तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि मेरी स्किन पे से पील ऑफ होने लगता है फाउंडेशन थोड़े टाइम के बाद, अगर थोड़ी और मेरी स्किन ड्राई हो चुकी है तो। सो यू नो, माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, आप उसको समझ नहीं सकते हो कि आज वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। हो सकता है आज वो ऑयली रिएक्ट करे, कल वो ड्राई रिएक्ट करे, उसके एक दिन बाद वो कुछ और रिएक्ट करे, तो मैं खुद भी नहीं समझ पाती कि मेरी स्किन को चाहिए क्या। तो यू नो, इस तरह का प्रोडक्ट जो मेरी स्किन पे सूट कर पाए हर वेदर में इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब सूट होते हैं एंड ये वाला जो नेचुरल रेडियंस बेस है, मुझे लगता था ये बहुत ऑयली कर सकता है मेरी स्किन को भी, इसके अंदर थोड़े से ना यू नो शाइनी पार्टिकल्स हैं, बट नो, इट गिव्स मी अ वेरी नाइस काइंड ऑफ फिनिश और बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है ये फाउंडेशन को। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है बट आपको सिर्फ एक ड्रॉप इसको यूज़ करना होता है और ये आराम से आपके पास 2 से 3 साल चलेगा ही चलेगा अगर आप इसको यू नो हर दिन मेकअप में भी यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि काफ़ी बड़ी बॉटल है और काफ़ी दिन चलता है ये। नेक्स्ट आते हैं मैक का स्टूडियो फिक्स। आई थिंक ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर सेलिब्रिटी, हर ब्यूटी ब्लॉगर, हर कोई इसके बारे में बातें करता है, काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है एंड येस, इट्स वर्थ द मनी एंड इट्स वर्थ द हाइप, बिकॉज ये एक्चुअली में आप इवन कुछ भी नहीं लगा रहे हो और आपने सिर्फ ये कॉम्पैक्ट लगा लिया तो आपके फेस पे एक अलग सा ग्लो एंड एक अलग सा यू नो रेडियंस आ जाता है। आई रियली लाइक इट और मेरा जो शेड है दैट इज़, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपका मैक का शेड क्या है, तो आई एम समवेयर इन बिटवीन 40 to 41। अमेजिंग प्रोडक्ट, आप अकेला सिर्फ इसको लगा लो तो भी आपकी स्किन बहुत प्यारी लगती है। सो येस, नेक्स्ट आते हैं गोगो टिंट बाई बेनिफिट।
इसके बारे में भी मैं काफ़ी सारी बार अपने वीडियोस में बोल चुकी हूँ। ये एक तरह का चीक और लिप टिंट है। दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट कि आप हल्का सा टिंट अपने लिप पे एंड अपने चीक्स पे लगा लो एंड यू आर गुड टू गो। आई डोंट नो व्हाट्स गुड थिंग विद दिस प्रोडक्ट, बट ये आपके चीक्स को ना बहुत अलग तरीके का शीन इफेक्ट देता है। शाइनी नहीं बोलूंगी, बट इट गिव्स अ वेरी नाइस शीन इफेक्ट विच लुक्स वेरी नेचुरल, और जो फ्लश ऑफ पिंकी सा जो आता है वो काफ़ी नेचुरल लगता है। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एज वेल। मुझे बहुत ज़्यादा पिंक ब्लश पसंद नहीं है, मुझे ऐसा ब्लश पसंद है जो थोड़ा सा नेचुरल लगे, बिकॉज आई हैव अ वेरी यू नो आई एम अ चबी चिक पर्सन, तो जिन लोगों के चबी चीक्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ब्लश लगाना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो चीक्स और ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। सो आई वॉन्ट समथिंग जो काफ़ी नेचुरल एंड रेडियंट सा लगे। सो दिस इज़ द वन, और ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बॉडी लोशंस परचेज करते हो उसमें आई थिंक ये थोड़ी एक्सपेंसिव रेंज है। दिस इज़ द बॉडी शॉप स्ट्रॉबेरी सॉफ्टनिंग जेल लोशन। आई हैव अ ऑयली स्किन, लाइक बहुत ही गंदी वाली ऑयली स्किन है मेरी, तो और उसके बाद मैं मुंबई में रहती हूँ जहाँ का वेदर भयानक तरीके से ह्यूमिड होता है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ लास्ट ईयर से, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। ये मेरी स्किन पे एक तो बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस, भीनी भीनी सी खुशबू आती है जो आपके सर पे नहीं चढ़ती है, गंदा वाला सर पे नहीं चढ़ती है, एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो यू नो लाइट है, काफ़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है इसमें से। इसका प्राइस है 575 फॉर 250 ml, और ये चलता भी काफी अच्छा है, मतलब आराम से 3 months मुझे लास्ट करता है एक बॉटल। तो यस, दीज आर द प्रोडक्ट्स। यू वांटेड टू सी अनदर वर्जन लाइक रिग्रेट बाइंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, डू लेट मी नो, बिकॉज मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको खरीदने के बाद आई वाज लाइक शिट, ये मैंने क्यों खरीद लिया है। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ये वाला आपको कैसा लगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव अटेम्प्टेड समथिंग लाइक दिस। दैट्स इट फॉर माई वीडियो। आई होप यू रियली लाइक इट। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।